हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम बैक टू स्टीरियो कैट मोटो व्लॉग्स। ये आपका चैनल स्टीरियो कैट मोटो व्लॉग्स में आपका स्वागत है। ऑलरेडी देखो मेरे को फ़ोन भी आ गया, लगता है आयमन का ही होगा शायद से। सो पहले मेरा सब जो भी बैगेज है वो मैं ऑलरेडी कार में रख दिया है। तो इट्स टाइम टू गेट रेडी राइट नाउ। मेरा दोस्त का घर इधर ही आसपास ही है तो उसको पिक करने का है। सो मेबी इन 5 मिनट्स में उसको पिक करेगा और हम लोग निकलेंगे बैंगलोर को। तो आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, हम लोग निकल चुके हैं ऑलरेडी कईकम्बा से। अभी थोड़ा फ्यूल अप करने का था व्हीकल, तो हम लोग अभी मुड़बिद्री पेट्रोल पम्प में। तो ये लोग बोल रहे हैं अभी इधर पेट्रोल नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन को जाएंगे। कौन सा भी नज़दीक रहेगा तो उधर ही जाएंगे, क्योंकि हाफ टैंक ऑलरेडी हमारे पास है, बट फिर भी बेटर फुल टैंक करेंगे। ये है मिस्टर आयमन सैयद। कहीं तो सर, हाय। कहीं तो सर, हाय। तो ये था हमारे भाई आयमन सैयद। अभी 6:45 हो गया, हम लोग मुड़बिद्री जंक्शन में है। अभी हम लोग चारमाड़ी घाट स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हमने सोचा कि थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी हमारे साथ पुंडी और गसी है तो पहले नाश्ता करेंगे, तो आफ्टर ब्रेकफास्ट विल स्टार्ट। रोड्स बहुत अच्छे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। शेराड़ी घाट का तो कुछ थोड़ा लोचा है, बट चारमाड़ी घाट बहुत क्लीन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। टाइम हो चुका है ऑलरेडी 9:30। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग एटलीस्ट बेलूर हलेबीडू उसके आसपास कुछ 9:30 को रीच हो जाएं करके, बट बहुत लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा ड्रोन का फुटेज लेने को रुक गया था। और वेदर भी बहुत अच्छा था सुबह से, तो सोचा कि आराम से, क्यों लाइक क्यों अर्जेंट करने का, तो आराम से हम लोग जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग कोटीगारा रीच हो गए। आप कोटीगारा देख सकते हो, ये कोटीगारा एंट्रेंस है। कोटीगारा में कुछ स्पेशल है वो मैं एक्चुअली, मेरे को इधर थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, बट ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, तो कोटीगारा में कुछ टाइम रुकते नहीं हम लोग। कोटीगारा का स्पेशल है नीर डोसा। सो नीर डोसा आप लोग अगर कोटीगारा आएंगे, नीर डोसा और कोटीगारा का रोटी मिलता है, रोटी, तो वो बहुत सही रहता है। अगर आप नेक्स्ट कभी आएंगे तो कोटीगारा इधर साइड आएंगे तो आप वो ज़रूर ट्राई करना। अभी मेरे को ट्राई करने का बहुत मन था, बट फिलहाल के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमको एटलीस्ट 12-1 बजे के अंदर बैंगलोर को रीच होने का है। टारगेट उतना है बट नहीं होएंगे क्योंकि और भी मेरे को रुकना पड़ेगा कुछ ड्रोन फुटेज वो सब लेने के लिए। बहुत ही भूख लग रहा था पौडर लेने लो देखिए पौडर भी आला लंबे का साइड ऐड रहता है ना, तो नहीं स्टार्ट तक तो
ಮಧ್ಯದಿಂದವರೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೈಕ್ अभी बस मेरे को थोड़ा फ्री मिल गया था, आई मान ड्राइविंग सीट में बैठ गया, तो मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ पीछे से। तो अभी ये मेरा चैनल जो है स्टूडियो कैट मोटर व्लॉग्स, तुलु में सब मेरे व्लॉग्स आ रहे थे, बट अब से हम लोग हिंदी में ट्राई करें क्योंकि रीच थोड़ा ज़्यादा हो और हमारा कल्चर, हमारा जो टूरिंग है सबको थोड़ा सा क्या बोलते हैं लाइक यूनिवर्सली थोड़ा सा स्प्रेड हो, इसलिए हम लोग हिंदी में कर रहे हैं। इस चैनल के दौरान मेरा कुछ कहना है कि लाइक मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पूरा मोटर व्लॉगिंग का चैनल है, पूरा बाइक्स के बारे में रहता है मेरा सब कंटेंट। सब मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, स्टूडियो कैट मोटर व्लॉग्स। इधर देखो आ रहा है नीचे से, हमारे चैनल में ऐसा ही आपको मोटर व्लॉगिंग देखने को मिलेगा। आज कैमरा सेटअप ज़्यादा है तो हम लोग कार में जा रहे हैं और आप देखो आज का दिन कैसा रहता है, आज हम लोग क्या सब करते हैं। और अपने तो ऑलरेडी टाइटल में पड़ा है बैंगलोर में किसकी शादी, तो जाएंगे और आज पूरा, आज शादी तो आज नहीं है, शादी तो कल है, आज दूसरा कुछ काम है। और जैसे मैंने आपको बताया था, मिस्टर दिलीप सर, दिलीप रेड्डी, सो उनका भी शूट है, उनके साथ एक व्लॉग करने का है, वो कल है, तो पूरा स्केड्यूल बिजी है, देखेंगे कैसे जाएगा क्या होएगा करके। सो अब लोग अभी राइट नाउ हम लोग बेलूर क्रॉस हो गए, सो हसन के लिए अभी बस एक 20 किलोमीटर का दूरी है, तो हम लोग जल्दी अभी अपना आयमन भाई ड्राइविंग कर रहे हैं तो वो तो सुपर फास्ट है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ और लंच को मिलेंगे अभी। अभी हम लोग खाना खाने को एक होटल को आए, होटल गाउड होटल नट स्टाइल, देखेंगे क्या स्पेशल है होटल में। अभी तक आयमन ही ड्राइव कर रहा था तो चेक करेंगे गाउडर होटल नट स्टाइल। रागी मुद्दे बिरयानी सब कुछ है, देखें क्या मिलेगा करके। फिश फ्राई पूरा बेका, नाटि कोली चिकन किया था बिरयानी, वो आ चुका है ऑलरेडी। सो ये चिकन नाटी स्टाइल का बिरयानी है, तो हम लोग अभी ट्राई करके देखेंगे कैसा है करके। हम लोग एक होटल को आए थे, होटल का नाम है गौडरा होटल नाटी स्टाइल। खाना कुछ भी अच्छा नहीं था, सच में बता रहा हूँ, खाना कुछ भी अच्छा नहीं था, बहुत ही ऐसा बोलने का नहीं है कि खाना अच्छा नहीं था, मतलब इट डजंट साउंड गुड, बट एक्चुअली उनका नाटी स्टाइल था कुछ। और नाटी स्टाइल में चिकन बिरयानी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, और उन्होंने कुछ बोटी वगैरह कुछ लेके आए थे तो वो तो बहुत ही वाहियात था, मतलब टेस्टी नहीं था। और जो फिश फ्राई दिया था वो तो आई थिंक सो दो दिन के पहले मसाला लगा के रखा है लोगों ने, आज फिर से थोड़ा बॉईल करके दिया लगता है मेरे को, कुछ ऐसा किया उन लोगों ने, बट फिर भी बोल रहा हूँ कुछ भी अच्छा नहीं था। होटल गौडरा होटल, आई एम सॉरी, आई होप एवरी होटल इज़ नॉट द सेम, एवरी होटल इज़ नॉट द सेम, सो जान दो। अभी हम लोग निकलेंगे हसन हाईवे में और बैंगलोर को बहुत ही जल्दी रीच हो जाएंगे हम लोग। एस्टो ना एस्टो 20, थैंक यू थैंक यू। हमने टोल तो पे किया, अभी बैंगलोर सिटी को एंट्री ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग बैंगलोर सिटी को एंट्री हो गया हमारा, अभी बस एक मेरा जो फ्रेंड है उसका नाम जो है, तो मैं उसके घर को जा रहा हूँ, तो इधर से थोड़ा सा 19 किलोमीटर्स का कुछ आसपास डेस्टिनेशन है, तो मे बी इन मैक्सिमम एक ट्रैफिक मिलेगा तो एक घंटा लगेगा, नहीं तो 15-20 मिनट में हम लोग उधर निकल जाएंगे। तो अभी कुछ नहीं है, अभी जाने का है, नहाने का है, मैंने आपको टाइटल में बताया था हम किसी के शादी में आ गए भाई, तो किसकी शादी में आ गए वो आपको दिखाएंगे आज, और कल तो पूरा वेडिंग का धमाल हो जाएगा। अभी डायरेक्ट हम आपको
जो के घर में मिलेंगे और जो जो से मिलाएंगे जो भाई से तो चलेंगे। तो फाइनली हम लोग बैंगलोर रीच हो चुके हैं मेरा फ्रेंड जो के घर को। तो जो उसके अपार्टमेंट में रहेगा शायद से, उसको मैं बोला नहीं, मैं आया करके नीचे, तो उसको भी जाके हम लोग मिलेंगे। जो तो आप सब लोग वेट कर रहे थे तो कि मैं बोल रहा था कि उनकी शादी है, उनकी शादी है। तो सब सोच रहे होंगे किसकी शादी है। तो मैं ऑलमोस्ट रीच हो चुका हूँ जो लोकेशन पे मेरे को आने का था। वो लोकेशन है, मेरा एक्चुअली एक फ्रेंड थी सो उसकी शादी है। सो दिस इज द प्लेस, चलेंगे हम लोग अभी अंदर। सुना है कि 4 फ्लोर चढ़ने का है, सो चढ़ेंगे 4 फ्लोर ऊपर। यस, सो फाइनली हम रीच हो चुके हैं शादी के घर में। तो क्वेश्चन कुछ अलग ही था, किसकी शादी है। तो शादी है हमारे दोस्त की है, तो आपको अभी जल्दी मिलाएंगे उनसे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। सो यही है वो लड़की जिसकी शादी है, कल शादी है। आपने देखा शादी का घर कैसा था। ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाया मैं क्योंकि पूरा बिजी था। तो कल उनकी शादी है तो शादी का भी व्लॉग रहेगा। और दिलीप सर के साथ भी एक छोटा कल कंटेंट रहेगा हमारा। तो ये वीडियो अगर आपको लाइक हुआ तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और वैसा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको बेल बटन दबाएंगे तो पूरा अपना वीडियोस आपको मिलेंगे, नोटिफिकेशन बेल दबा दो। और अगर ये वीडियो भी लाइक आए तो लाइक बटन प्रेस कर दो और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं पहली बार हिंदी में व्लॉग किया तो मेरा फर्स्ट ट्राई था, होपफुली आपको लाइक हो गया होगा। थोड़ा वर्ड्स मेरा स्लिप होता है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ बात करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड राइड सेफ। बाय बाय।